हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने PXN V3 Pro रेसिंग व्हील को कनेक्ट कर सकते हैं Xbox 360 के साथ। इसके ऊपर आपको हार्डली कोई वीडियो YouTube पे मिलती है और आपको काफ़ी डिफिकल्टी होती है। आप लगता है कि Xbox 360 में हम रेसिंग व्हील चला ही नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ और आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं Xbox 360 में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मीनवाइल अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नई अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। तो जो ट्रिक है, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपके पास वायर्ड रिमोट होना चाहिए, आपके पास Xbox 360 का वायर्ड रिमोट होना चाहिए। और इस रिमोट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये रिमोट कैसा है और कैसे यूज़ करना है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है कि जब आपको इसको यूज़ करना है तो आपको ये जो USB है ये आपको Xbox 360 में ना लगा के आपको लगानी है इसके अंदर, PXN के अंदर। पीछे की तरफ एक आपको सॉकेट मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, उसमें आपको इसको लगाना है। किसको? वायर्ड रिमोट को, 360 के Xbox 360 के वायर्ड रिमोट को PXN के पीछे की तरफ जो पोर्ट दिया है USB का उसमें लगाना है। और क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारा रेसिंग व्हील है उसको मैपिंग चाहिए रिमोट की, और वो मैपिंग उठाता है इस वाले रिमोट से, ठीक है। तो उसको पता लगना चाहिए कि मैं किस डिवाइस पे काम कर रहा हूँ। अगर PC में हम लगाते हैं तो डायरेक्टली हमें बस ये वाली वायर PC में लगा देनी है। और आपने रेसिंग व्हील काफ़ी वीडियोस देखी होंगी रेसिंग व्हील यूज़ करते हुए, तो वो ऐसे ही चलता है। रेसिंग व्हील अच्छा ही है, यूज़ करने में बढ़िया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें यूज़ करना भी तो आना चाहिए। अगर हम Xbox 360 की बात कर रहे हैं, PC में तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। अब जो इस केस में हमें क्या करना है, जो PXN की जो वायर है, PXN यानी कि जो हमारे रेसिंग व्हील की जो वायर है, वो हमें अटैच करनी है Xbox 360 के USB में। तो जैसे ही हम Xbox 360 में PXN की USB वायर अटैच करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइट आ जाएगी। बट आप सोचेंगे कि अब चल जाना चाहिए क्योंकि लाइट जग गई है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई चेंजेस या कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये अभी चल नहीं रहा है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये मैपिंग नहीं कर पा रहा है कि Xbox 360 से ये किस तरीके से डील करे। वो मैपिंग हम कर पाएंगे इसके थ्रू, हमारे पास वायर्ड रिमोट है Xbox 360 का। अब मैं इस रिमोट को अटैच करने वाला हूँ PXN में, पीछे की तरफ पोर्ट है वहाँ पर डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाले पोर्ट में मैंने USB डाल दी है, और ये USB किस चीज़ की है? Xbox 360 के वायर्ड रिमोट की। और जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और जैसे ही ये वाली लाइट्स ऑन होंगी, और PC के केस में ये डायरेक्टली ऑन हो जाती हैं जैसे ही हम PXN की जो USB है उसमें डालते हैं, तो PC के केस में डायरेक्टली चलता है। बट Xbox 360 के केस में हमें वायर्ड रिमोट चाहिए होगा और उसके USB हमें यहाँ पे डालने होगी, और फिर हमारी ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और जैसे ही ये लाइट ऑन होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो रेसिंग व्हील है वो अब स्टार्ट हो चुका है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये शुरू हो गया है। अब मैं A से इसको ओके करता हूँ, ये चलना शुरू हो गया है। कोई गेम खिला के मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं है। आगे आपको पता ही है रेसिंग व्हील कैसे यूज़ करना है। पैडल है, पैडल में आप ब्रेक को रेस दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो डायरेक्शन है वो यहाँ से देनी है, जो कि आप यूजुअली हर एक उसमें देखते ही हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, जैसे मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी चीज़ें मूव हो रही हैं। तो ये हमारा Xbox 360 के साथ अटैच हो गया है और सब कुछ काम प्रॉपरली कर रहा है, हर एक बटन प्रॉपरली काम करेगा। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जहाँ पे आपको पता लगता है कि Xbox 360 में आप रेसिंग व्हील को कैसे चला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।